हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टेट द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर्स का क्या रोल है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं, जिसके लिए जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल सा है। आपको हमारे चैनल पे विजिट करना है, जिसका नाम है कॉमर्स ई पाठशाला। आप यहाँ पर आने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। इसके बाद आपको ठीक इसके बगल में, सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद इग्नू बीकॉम में आपको जाना है। यहाँ पे 119 रुपीज जो है आपको पेमेंट करने हैं, जिससे कि आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। असाइनमेंट्स जो आपको सबमिट कराने होते हैं यू नो अपने बीकॉम के कोर्स में, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी होगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको 40% डिस्काउंट पे नोट्स भी मिल जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सो ये एक कंप्लीट पैकेज है जो कि हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है फॉर योर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब तक कि आप स्टडी करते रहेंगे तब तक आपको ये जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, है ना, इस कोर्स की। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्लेलिस्ट के बारे में। तो जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर के स्टडी कीजिए। यहाँ देखिए इग्नू बीकॉम न्यू लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिसके अंदर ढेर सारी वीडियोज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज है जो की एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो को देखिएगा और आपकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए, आपकी एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेते हैं, नहीं स्काई कर लेते हैं, चलो। सो कंप्यूटर्स हैव ब्रॉट अवे, माफी चाहूंगा ये तो पूरा ही ओके देन। सो कंप्यूटर्स हैव ब्रॉट अवे, ये क्या हो रहा है, Computers have brought away organization in a long way ahead of the age of pen, papers, folders, stores in the dusty storage. यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ये है कि जो तरीका है ना कंप्यूटर्स का, वो बहुत ही मॉडर्न है, जहाँ पे आपको पेन पेपर या फिर यू नो फोल्डर्स की आवश्यकता नहीं है चीजों को संभाल करके रखने के लिए। आपको पता है कि पहले के जमाने में चीजें जो होती है वो मैनुअली होती थी, पेपर पे होती थी, तो उनको जो है स्टोर करके रखने का एक बहुत ही झंझट रहता था, है ना। लेकिन जब से कंप्यूटर आया आपको इस तरह का कोई झंझट नहीं है, आप चीजों को अपने कंप्यूटर में बहुत आसानी से आपको लिखना है उसके लिए पेन की जरूरत नहीं, आप हाथ से टाइप कर सकते हैं, आपको स्टोर करके रखना है आपको किसी की आवश्यकता नहीं, आपके पास स्टोरेज में रैम रोम सारी चीजें होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है आपका, है ना। तो उस तरह की चीजें जो है उसके लिए जो है हमारा जो बिजनेस जो है उसके लिए काफी ज्यादा आसान हो गया है। आपको चाहे कम्युनिकेट करना हो, आपको डेटा को रिकॉर्ड करके रखना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, या डेटा को एनालिसिस करना हो जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे, वो सारी की सारी चीजें जो है कंप्यूटर के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है ना, तो एक एक करके बात कर लेते हैं इसके रोल के बारे में कि क्या इसका रोल है, किस तरीके से ये जो है बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो सबसे बड़ा जो इसका रोल यहाँ पे बताया गया वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने में कंप्यूटर जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैसे करता है तो चलिए देखते हैं। सो कंप्यूटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन अ स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्टीज एंड स्टेक होल्डर्स। तो कंप्यूटर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो जो है जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो जो है माफी चाहूंगा जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्मूथ बना हुआ रहता है। वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है पार्टीज को, स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर के थ्रू बहुत ही आसानी से स्मूथली जो है जिनको भी रिक्वायरमेंट है इन्फॉर्मेशन की उन तक पहुंचा दी जाती है। सो कंप्यूटर इज अ गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छे तरीके से वो जो है कम्युनिकेट करता है बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को, राइट। बिजनेस कैन बी वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज ईमेल, लाइव चैट, टूल्स, वीडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ईटीसी। तो ये वो सारे टूल्स हैं जिसके जरिए जो है लोग कम्युनिकेट करते हैं, और ये सारे टूल्स जो है आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, राइट। आपको ईमेल लिखना है आप ईमेल लिख पाएंगे, आपको लाइव चैट या फिर टूल लाइव चैट अगर आपको करना है तो आप आराम से कर पाएंगे, आपके लैपटॉप में वेबकैम होगा, आप उसके थ्रू आप लाइव चैट कर सकते हैं, राइट। लाइव कॉल कर सकते हैं आप, वीडियो पर चैट कर सकते हैं, फोन कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, सोशल नेटवर्किंग हो सकती है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ये सारी की सारी मेथड्स हैं जो कि कंप्यूटर के द्वारा जो है हमें प्रोवाइड कराई जाती है। इट सेव्स टाइम एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
अब कंप्यूटर जो है हमारे लिए टाइम बचाता है, हम अगर किसी चीज को मैनुअली करेंगे ना तो उसमें हमें टाइम लगेगा फॉर श्योर, राइट। लेकिन जब आप उस चीज को कंप्यूटर पे करोगे तो आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा और जो आपका जो काम करने का तरीका है, जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो पाएगी। सो कंप्यूटर में लाइक दोनों तरह के फायदे हैं। With such advanced tools, it also becomes very easy for the business to offer customer support to its clients in a timely and efficient manner. तो इसका जो tools है वो बहुत ही advanced होने के कारण जो services हैं वो भी customer, जो customer support होता है किसी भी you know computer holder को, उसके पास वो services भी बहुत आसानी से provide कराई जा सकती हैं, बहुत ही timely और बहुत ही efficient manner में provide कराई जा सकती हैं। तो communication के मामले में जो है computer एक बहुत बड़ा role play करता है, and this is its one of the important role. कम्युनिकेशन। सेकंड है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में किस तरीके से कंप्यूटर हेल्प करेगा मैं आपको बताता हूं। सो ऑर्गेनाइज, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। यस, so organizations can widely use computers for marketing as most of the marketing is done online via social media, blogging, website development, advertising, e-newsletter, etc. है ना। तो जो organizations होती हैं आज के time पे computers का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है marketing के लिए। आपको पता है कि marketing में क्या होता है, आप product को जो customize करके बनाते हो, लोगों का feedback लेते हो, उसके basis पे आप you know एक तरीके से marketing करने की कोशिश आप करते हो। तो जो marketing के tool है, आपको कहाँ कहाँ marketing करनी है, suppose आपको marketing करने के लिए कोलकाता जाना है या दिल्ली जाना है, तो आपको वहां पहले जा करके करना होता था, जाकर के जो है लोगों को बताना होता था। लेकिन अभी के टाइम पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट के माध्यम से यू नो अपनी मार्केटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग हो गया, ई न्यूज़लेटर हो गया, ये सारी की सारी चीजें कंप्यूटर के थ्रू मिनटों में या इवन सेकंड्स में पॉसिबल है अगर आप इन सारी चीजों के ऊपर काम करते हो तो। IT developers can professionally create a website by using various interesting graphics and content with different forms of media such as text, images and videos to make campaign more attractive and lucid for the audience, है ना? तो जो IT developers होते हैं उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके का you know options निकाला है जिसके जरिए वो advertising कर सकते हैं, marketing कर सकते हैं, जैसे कि वो text message आपको भेज सकते हैं, आपको images भेज सकते हैं, आपको videos send कर सकते हैं, video campaign एक तरीके से चलाया जा सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा attractive और lucid होता है किसी भी audience के लिए, है ना। तो ऑडियंस के लिए ये सारी की सारी चीजें जो है अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के जो IT developers होते हैं वो इन सारी चीजों को करते हैं। By using search engine optimization and web analytics, the website would appear prominently in the Google search result. है ना? तो जो SEO होता है, search engine optimization, इसके माध्यम से और web analytics के माध्यम से अपनी website को आप you know Google की ranking में run करवा सकते हैं, आप Google के search result में उसको top पे ला सकते हैं अगर आप SEO ठीक तरीके से करते हैं तो, ठीक है ना। When then attracts traffic and ultimately enables the business to sell those products to website visitors, है ना। तो ultimately आप अपने product को अच्छे तरीके से बेच पाएंगे जब आप SEO ठीक तरीके से कर पाएंगे और वेब एनालिटिक्स आप ठीक तरीके से कर पाएंगे, है ना। तो जब आप इसको ठीक तरीके से कर लेते हैं तो जो लोग हैं वो जो ट्रैफिक है वो डायरेक्टली आपके यू नो वेबसाइट पे पहुंचने लगता है और वो आपके प्रोडक्ट को वहां पे देखता है और उसको पसंद आता है तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बट ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, राइट। तो मार्केटिंग में ये हेल्प करता है। तीसरा इसका रोल है अकाउंटिंग का। तीसरा इसका रोल है भाई अकाउंटिंग का, है ना। सो कंप्यूटर्स कैन आल्सो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन सॉर्टिंग इट्स लार्ज फाइनेंशियल डेटा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर लार्ज एंड स्मॉल स्केल फाइनेंशियल पोजीशंस जस्ट बाय फ्यू क्लिक्स, है ना। तो कंप्यूटर्स एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो अपने लार्ज डेटा को जो भी उसने स्टोर करके रखा था उसको वो प्रोसेस कर सके बहुत ही आसानी से और जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो लार्ज स्केल से रिलेटेड हो या फिर स्मॉल स्केल फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड हो, वो फ्यू क्लिक्स में आपके पास अवेलेबल हो जाती है, है ना। तो कंप्यूटर में ये सारे ऑप्शन जो है दिए गए हैं। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूजफुल for performing various tasks like invoicing clients, maintaining data about the debtors and creditors, calculating payroll, calculating and filing tax forms, etc. है ना। तो कंप्यूटर इन सारी चीजों के बारे में भी आपको हेल्प कर सकता है। कंप्यूटर इन सारी चीजों में भी अपना रोल प्ले करता है जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि क्लाइंट के लिए इनवॉइस तैयार करना, डेटा को मेंटेन करना, जो भी डेटर्स हैं आपके जिनके पास आपको पैसे आने हैं, प्लस क्रेडिटर जिनको आपको पैसे देने हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको एक तरीके से मेंटेन करना, पेरोल तैयार करना, पेरोल जो सैलरी आपकी मिलती है उसको पेरोल बोलते हैं, तो पेरोल को कैलकुलेट करना, है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है, टैक्स फाइल करना, ये सारी की सारी चीजें जो है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग पॉसिबल है और वो अकाउंटिंग आप कंप्यूटर पे कर सकते हो, राइट। सो विद द कंप्यूटर अकाउंटेंट्स कैन नाउ फोकस ऑन द हायर लेवल पिक्चर ऑफ अ बिजनेस फाइनेंस, लीविंग द लोअर लेवल स्टफ टू द
मशीन्स, है ना। तो चूंकि कंप्यूटर अब आ गया है, तो अकाउंटेंट को जो है बहुत ज्यादा इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बहुत ही कुछ ही क्लिक्स में जो है वो सारी की सारी डेटा को निकाल सकता है। तो जब ये सारी चीजों से वो फारिग हो जाएगा, फुर्सत उसको मिल जाएगी, तो वो डेफिनेटली हायर लेवल ऑफ पिक्चर जो होगा किसी भी बिजनेस फाइनेंस का, उसके बारे में वो सोचेगा, राइट। तो जो लोअर लेवल स्टाफ है वो मशीनों के ऊपर छोड़ देते हैं, वो मशीनें सारी कर लेंगे, जो हायर लेवल स्टाफ है वो जो है अकाउंटेंट या जो मैनेजमेंट होता है वो करता है, राइट। सो दिस इज द वे द अकाउंटिंग हेल्प्स इन कंप्यूटर्स, है ना। कंप्यूटर हमारा हेल्प करता है अकाउंटिंग में। फोर्थ है हमारा स्टोरेज। सो बिजनेस कैन स्टोर इनॉर्मस डेटा ऑन कंप्यूटर। बिजनेस जो होता है वो इनॉर्मस डेटा उसका होता है जो कि कंप्यूटर्स पे स्टोर करके रखा जा सकता है। दे डोंट हैव ह्यूज क्लाइंट्स फॉर स्टोरिंग डेटा नाउ, है ना। उनको बहुत ज्यादा बड़े बड़े कैबिनेट्स की जो आवश्यकता नहीं है डेटा को स्टोर करने की। विद कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स ऑर्गेनाइजेशंस के आर केपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड स्टोरिंग बिलियंस ऑफ फाइल्स एंड एनेबल देम टू एक्सेस एट एनी टाइम, है ना। तो आपको पता है कि पहले के जमाने में जो बिजनेस हुआ करते थे, तो चीजें जो है मैनुअली होती थी। तो जब मैनुअली हो रही है, तो उन फाइलों को रखने के लिए देखना आप कैबिनेट तैयार किया जाता था, कैबिनेट का इस्तेमाल होता था। आपने देखा भी होगा ना बहुत सारी मूवीज में। लेकिन अभी के टाइम पे जब से कंप्यूटर आया है, लोगों को इसके ऊपर ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में वो बिलियंस ऑफ फाइल्स रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। डेटा अगर आपके पास 500 GB 1000 GB का है, तो उसमें आप अनलिमिटेड डेटा वहां पर रख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बड़ी से बड़ी फाइलें जो है वहां पे जमा करके रखी जाती है, बिलियंस ऑफ फाइल्स जो है वहां पे जमा करके रखी जा सकती हैं, और आप एट ए टाइम आप उन सबको एक्सेस कर सकते हो। डिजिटल स्टोरेज इज मच लार्जर एंड मोर एफिशिएंट एंड सिक्योर व्हाइल कंपेयर्ड विद फिजिकल स्टोरेज। और जो डिजिटल स्टोरेज होता है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हो, है ना। और सिक्योर भी हो सकता है अगर फिजिकल स्टोरेज से उसकी कंपैरिजन की बात करें तो। फिजिकल स्टोरेज में सपोज आग लग गया, जल गया, कहीं खो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन करते हो चीजों को, कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हो, तो उसको वापस से रिट्रीव किया जा सकता है, आप बैकअप तैयार करके रखते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है। सो विद द फिजिकल स्टोरेज, एज इट इज मोर डिफिकल्ट टू लूज और स्टील फाइल्स फ्रॉम अ वेल प्रोटेक्टेड डेटाबेस, व्हिच इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ द कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर के डेटाबेस से एक तरीके से डेटा को निकालना या फिर चोरी करना वो बहुत ही मुश्किल काम है, वेयर एज पहले के टाइम पे आसान काम होता था कैबिनेट से चीजों को, फाइलों को निकाल पाना, राइट। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। तो स्टोरेज के में भी जो है कंप्यूटर अपना एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। पांचवा नंबर पॉइंट है एजुकेशनल पर्पस। सो विद द एक्सेस ऑफ इंटरनेट ऑन द कंप्यूटर्स, ऑर्गेनाइजेशंस कैन ऑल रीच द पूल ऑफ वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली टू एजुकेट इट्स एम्प्लॉइज सच एज अबाउट द कंपनी पॉलिसीज सॉफ्टवेयर यूज एज वेल एज स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड सेफ्टी, है ना। तो लोगों को एक तरीके से एजुकेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। लोग जो है इंटरनेट का सहायता लेकर के, इंटरनेट पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उन सब का सहायता लेकर के एक तरीके से इम्प्लॉइज को जो कंपनी के पॉलिसीज है, जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करके, जो कंपनी के जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड सेफ्टी है, उन सब के बारे में जो है अपने इम्प्लॉइज को एक तरीके से इनकरेज मतलब एजुकेट किया जा सकता है, अवेयर कराया जा सकता है। So instead of hiring teachers, employees can be educated online. तो यहाँ पे आपको अलग से टीचर्स को हायर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो चीजें हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही आप इन सब चीजों को, इन लोगों को जो है टीच आप कर सकते हो, समझा सकते हो। लाइव वेबिनार कॉन्फ्रेंसेज एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड, है ना। तो आप ऑनलाइन जो है लाइव वेबिनार कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन आंसर सेशन ये सारी की सारी चीजें जो है आप कंडक्ट कर सकते हैं, right? Employees can also learn through various media such as video, text, etc., which enables them to better understand the better subject matter. है ना? जो employees होते हैं वो different different media का इस्तेमाल करते हैं on the computer, जिसके basis पे वो जो है बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। वो media जैसे कि हो गया videos देख करके, text देख करके, है ना? इन सारी चीजों के माध्यम से वो चीजों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, जो उनका subject matter है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझ सकते हैं और उसका implementation को जो है business को grow करने में अपना कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है रिसर्च। चलिए फिर। सो कंप्यूटर्स मेक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केपेबल ऑफ डूइंग अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग रिसर्च अबाउट द कंपटीशन एज वेल एज नोइंग अबाउट द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, राइट। सो कंप्यूटर जो होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से केपेबल बना देता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो जो है वैरायटी ऑफ फंक्शंस कर सकता है। जैसे कि सपोज उनको रिसर्च करना है अपने किसी बिजनेस की एक्टिविटी के ऊपर, कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो किस लिए हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो पता कर सकता है। साथ ही साथ वो लोगों के टेस्ट का ध्यान रख सकता है कि एक व्यक्ति को अगर ये पसंद है तो क्यों पसंद है,
है ना, अगर उनको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो किस लिए पसंद आ रहा है, प्रोडक्ट की कौन कौन से फीचर्स हैं, इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च करवाना, ये सारी की सारी चीजों के बारे में पता करने का काम जो है वो कंप्यूटर बहुत ही आसानी से कर सकता है। विद मॉडर्न डेटा माइनिंग टेक्निक्स अ बिजनेस कैन एक्वायर इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस इंक्लूडिंग फोरम्स सच सर्च इंजन्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेबसाइट्स एंड इवन फ्रॉम सोशल मीडिया नेटवर्क्स, है ना। तो ये वो सारे जगहें हैं, ये वो सारे प्लेसेस हैं जहां से इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से गैदर किया जा सकता है और बिजनेस के पास जो है इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिल सकता है रिगार्डिंग देयर कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिशन, कि उनको कौन सी चीजें पसंद है, क्या वो चीजें सर्च करते हैं, डिफरेंट फोरम्स के बारे में, डिफरेंट वेबसाइट्स के बारे में, हर एक चीज के बारे में जो है आपको जानकारी मिनटों में मिल सकती है अगर आप रिसर्च करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर के हेल्प के थ्रू ही ये पॉसिबल है। Now, by conducting online surveys, business can know about the public opinions, or while launching any new product, public reactions can also be known by reviewing customers' review on different sites. है ना? तो कंप्यूटर के माध्यम से जब आप जब भी आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, है ना, तो उसकी रिव्यू को आप जानना चाहते हो कि लोगों को ये पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर नहीं पसंद आ रही है तो क्यों नहीं पसंद आ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है अवेलेबल है कंप्यूटर के माध्यम से, आप ऑनलाइन सर्वेस करवा सकते हो जिसके जरिए से जो बिजनेसेस हैं उनको पता चल पाता है कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है आपके प्रोडक्ट के बारे में, राइट। उनका क्या रिएक्शन है जब आपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, क्या उनको इस ये प्रोडक्ट पसंद आया, तो वो आपके प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि कंपनी के लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो कंपनी के लिए रिसर्च करवाने में भी कंप्यूटर जो है एक बहुत ही बड़ा योगदान प्ले करता है, राइट। सो दीज आर द एडवांटेजेस, दीज आर द नॉट एडवांटेजेस, दीज आर द रोल्स ऑफ कंप्यूटर, आप एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो, है ना। तो ये दीज आर द रोल्स ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।